अच्छा सूत्र पाना सूत्र पाना मेरी तीन निकालनी जी जी में काट ली मेरे अच्छा अब बोलना नहीं अब बोलना ना हे गाइस वेलकम टू बैक न्यू व्लॉग। तो फिर से स्वागत है एक नए व्लॉग के साथ हमारे यूट्यूब चैनल अबाउट गद्दी लाइफ में। दोस्तों आज एक खास चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ, बहुत ही हमारी पुरानी धरोहर है जिसको आजकल बहुत कम लोग जो हैं यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे बुजुर्ग हैं अभी भी। हमारे मास्टर जी आए हैं, हमारे मेरे पापा जी ने 2 साल पहले इसको बंद कर दिया था, लेकिन मेरे बड़े भाई का हार्ड राम जी फिर इसको दोबारा चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ को संजोए रखें और इसको दोबारा सेट किया जा रहा है। पहले इसको उखाड़ दिया था, अभी मास्टर जी हैं, इनका नाम है चैनो राम जी। तो इनसे हम जानेंगे कि ये क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे इनका यूज़ होता है। तो चलिए थोड़ा सा जानते हैं। हाँ जी मास्टर जी, क्या आ रहा धंधा? बस ठीक है जी। तो जरा इंजन जो दस है जी, एक कतिजा ही होंगे अट्ठ ना के पूरे सिस्टम का, तो क्या कह काम हों चादरें बनाई जाती है, पट्टू जो हम बोलते हैं गद्दी भाषा में वो बनाए जाते हैं, लेकिन इस चीज का जो है हर चीज का जो है पार्ट बाई पार्ट हम आपको बताएंगे कि क्या क्या इसके नाम होते हैं। तो अभी ये तैयार कर रहे हैं इसको, पहले से उसको उखाड़ दिया गया था, लेकिन अभी फिर से मास्टर जी जो है इनको नए सिरे से जो है तैयार कर रहे हैं ताकि जो है इसको दोबारा से शुरू किया जा सके। भाई इस पर बैठेंगे और काम करेंगे, लेकिन इसका जो पार्ट वाइज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए लेट्स गो। सर जी मास्टर जी आवे जिन्हें पहला पार्ट ठहरा जी ये चलिया बैलनो ये बैलनो चलिया ठहरा चलिया हाथ लाया था पूरे पूरा पूरे बैलनो बल दे अच्छा कंगी पट्टो चादरी गड़ू चादरी है ना अच्छा ते और जी मेरी ऊन चलिया ठेरे दागे है ना ते जी ए चले आए उपरे एदी के बलदे इदी बलदे डेडो डेडो ए डेडो चले आए डेडो चले आए ए डेडो है डेडो तो सुवार बहुत जागर पे ते एती के बलदे इंटरनेट ठे नी के ए सो बंद सांद 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 आज एती बीच फसा रहे ने हो हां अच्छा ते ए के चले आए एक लाने पीछे ससु ए खराब लग गया चल खड़ा हूं पूरे सिस्टम गद्दी भाषा अंदर वाले रच है फिर सो घर की सो नैठ नहीं बल वो बढ़ते दीदी करी उन्ना के बढ़ते अच्छा सूत्र पाना मेरी तीन कढ़नी अच्छा सो आपको बताया कि ये जो है इसको बोलते हैं बैलनू इसके द्वारा जो है जो पट्टू जो है इसको कसा जाता है, इसके मतलब जब बढ़ता जाता है जो चादरें होती है वो बढ़ती जाती है तो उसको इसके अंदर लपेट दिया जाता है, घुमा के इसको कस दिया जाता है ताकि उसका जो धागा होता है आगे का पीछे आता जाता है। बुनाई के साथ साथ जो खड्डी होती है मतलब चादर जो होती है वो जब बन के तैयार होती जाती है तो इसके अंदर लपेट दी जाती है, इसके अंदर लपेट दी जाती है तो इसको घुमा दिया जाता है इसके अंदर। ये इसका सिस्टम ठेरा ओ बढ़िया और क्या बोल दे दियो डंडेर तो ये डंडेर नो यानी इसके सहारे जो है इसको ऐसे कस दिया जाता है इस तरह से, और जितना कसना है उतना कस दिया जाता है, फिर इसके अंदर छेद होते हैं इसको फिर ऐसे घुमा दिया जाता है ताकि जो है चादर जो है पूरी तरह से लपेटे में आ जाए कस के, और जो है जो उसका आगे का सिस्टम जो है बुनाई वाला जो धागा है पीछे आता जाए। इस तरह से हमने आपको दिखाया कि
ये हम गद्दी भाषा की बात करें तो इसको रच बोला जाता है। इसके अंदर उसके ऊपर जो बैठ के एक पार्टिकुलर बंदा वहाँ बैठता है, जैसे कि अभी ये बैठे हैं, इसको तैयार कर रहे हैं। इसका जो पूरा सिस्टम है हम आपको दिखाएंगे, जब कभी ये चलेगा तो तब भी हम आपको दिखाएंगे। इसका पार्ट वाइज हमने आपको दिखाया, लेकिन अभी इसको पूरे को जो हम रच बोलते हैं, जिसको लोकल लैंग्वेज में हम रच बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसको बाहर भाषा में बोलते हैं कि खड्डी। खड्डी मतलब खड्डी होती है कि धारी, धारी डाल के जो है उसका पट्टू तैयार किया जाता है, चदरन तैयार की जाती है। तो हर जगह ऐसा ऐसा सिस्टम है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है चलाने का तरीका अपना अपना है। तो पार्ट वाइज हमने आपको दिखाया है, लेकिन जब ये चलेगा उसके बाद फिर भी हम आपको दिखाएंगे। तो इन चीज़ों की कदर इसलिए नहीं है क्योंकि आजकल जैसा कि आपको पता है पहले क्या होता था कि पैसे की कमी हुआ करती थी पैसों की, तो कहीं ना कहीं बुजुर्ग लोग जो थे अपने घर में ही अपना कोई ना कोई कारोबार चलाते थे, और अपनी जो हमारी गद्दी, जो गद्दी भेड़े होती हैं उनकी ऊन के द्वारा जो है उसके जो है धागा तैयार किया जाता था, उसको तब जाके इस तरह की चादर जो है बनाई जाती थी। लेकिन जैसे दुनिया एडवांस हो गई, मतलब पैसा लोगों के पास आ गया, कमाने बाहर निकल गए लोग, तो धीरे धीरे रजाई और कंबल तक पहुँच गए। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी इन लोगों को, इन जो है हमारे बुजुर्ग जो है, कहीं ना कहीं आज भी इसका यूज़ करते हैं, और हम भी आज चादरों का यूज़ करते हैं फिलहाल, लेकिन आने वाले टाइम में शायद ही ये बिल्कुल ही विलुप्त हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमारी जो यादें हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। आज हम हैं, कल पता नहीं हमारे बुजुर्ग होंगे या नहीं, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें संजो कर रखनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये यादों के सहारे जो है मेरे वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आने वाले टाइम के लिए जो है ये इस तरह की जो हमारी पुरानी धरोहर है वो संजो के रखें, और कोई भी अगर काम करना चाहे तो वो कर सकता है।